नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है पर्यायवाची शब्द कर रहे थे और हिंदी का हम लोग रिवीजन ही कर रहे हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कमल का पर्यायवाची। हमने स्वर का कल लिया है, तो इसीलिए यहाँ पर कमल का पर्यायवाची अभ्यंजन में का और च वर्ग का करेंगे। व्यंजन में कमल के बात कर रहे हैं तो उत्पल याद रखिएगा, जो याद करने योग्य बातें हैं, कुवलय, इंदिवर, पद्म, नलिन, नलिन भी पूछा गया है, सरोज तो जान ही रहे हैं, अरविंद, सतपथ और सरसिज, सतदल, सरसी रूह, ये सब पूछा गया है, ये सब आएगा तो कर लेंगे। सरसी रूह, राजीव, कंज, अंभोज, पंकज, अंबुज, पाथोज, पुंडरीक आया हुआ है, वारिज, सरोरूह, जलज, नीरज, कोकनद, अब्ज, अब्ज भी आया हुआ है, ताम्रस, पारिजात और मकरंद। तो देखिए यहाँ जो याद रखिएगा आप, वो आप याद रखिएगा उत्पल, पहले उत्पल जो पूछने की संभावना बनती है, नलिन, बाकी सरोज आता है तो आप कर लेंगे, पुंडरीक याद रखिएगा आपको जरूरी है, कंज याद रखिएगा, कंज, उसके बाद जो है अब्ज याद रखिएगा, अब्ज को, सतदल तो जान ही रहे हैं, लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, कपड़ा का है, यहाँ देखिए कपड़ा का है कि वस्त्र, दुलूक, दुकुल है, दुकुल आ जाएगा, दुकुल तो नहीं कर पाएंगे, वस्त्र कर लेंगे, पट, वसन, अंबर, चीर, अंबर एक बार ध्यान में रखिएगा, चीर, चैल, परिथा, तो यहाँ पर जो ध्यान देना है अंबर, अंबर और परिथा, और चीर तो जान रहे होंगे, चीर पूछा भी गया है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ, दुकुल, अंबर, चीर और परिथा, चार यहाँ पर शब्द याद रखिएगा। कल्प वृक्ष का सुरतरु, हरिश्चंद, हरिचंद, मंदार, पारिजात, ठीक है, सुरतरु, देव वृक्ष, कल्पतरु, कल्पतरु तो हमने बोल दिया, कल्प वृक्ष है, कल्पतरु है, कल्प साल भी है, कल्प द्रुम भी है, तो ध्यान दीजिएगा कुछ कुछ चीजें। कई का होगा नाना, अनेक, विविध, एकाधिक और कई एक, ये आएगा तो कर लेंगे, जो नहीं कर पाएंगे उस पर जहां पर फोकस करना है उसकी बात कर रहे हैं। कली का आएगा कलिका, कोपल, जालक, मुकुल, मुकुल आए पूछा भी गया है, ताम्र पल्लो, कल्पसाल, कल्पसाल देखिए यहाँ भी है और कल्प वृक्ष का भी है, कली का, नौ पल्लो यहाँ, कल्पसाल यहाँ लिखा था, अखुआ, ठीक है। कंठ की बात करें, ग्रीवा, गला, सिरोधरा, ये आएगा तो कर लेंगे, सिरोधरा बस ध्यान रखिएगा, सिरोधरा। कर की बात करते हैं, हाथ, हस्त, बाँ, पाड़, भुज, आएगा तो कर लेंगे। कर में क्या है, शुल्क, महसूल, मालगुजारी, यहाँ पर महसूल याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि तबीयत तो सही नहीं है तो इसीलिए आवाज थोड़ा वैसा है। कल्याण की बात करते हैं, मंगल, भलाई, क्षेम, क्षेम, वंचना याद रखिएगा। कला की बात करते हैं, कौशल, हुनर, विद्या, फन, आएगा फन को याद रखिए, कला, कौशल तो जान रहे हैं, हुनर आएगा, विद्या कर लेंगे। कल्याण का क्षेम याद रखिएगा, मंगल, भलाई, वंचना, तो ठीक है। कन्या का आएगा कुमारी, कुंवारी, अविवाहित, अनूढ़ा याद रखिएगा, किशोरी, बाला, बालिका सब कर लेंगे। कबूतर का कपोत, हारित, रक्त लोचन, पारावृत, परेवा, इसको याद रखिएगा, कबूतर का सब। कटाच का व्यंग, आक्षेप, छीटा कासी आएगा तो कर लेंगे, छीटा कासी। कच्चा का अनपका, आपक्व, अपरिपुष्ट पूछा भी गया है, अप्रौढ़, काल पूर्व, तो यहाँ जो याद रखिएगा अपरिपुष्ट याद रखिएगा क्योंकि शायद आप कन्फ्यूज हो जाए। कपड़ा का परिधान, वस्त्र, वसन, अंबर, फिर से हमने बताया ऊपर भी था, और चीर और पट। कथन की बात करते हैं, बयान, मत, कथनी, वक्तव्य, विचार कर लेंगे आप। कटु का है कड़वा, तीखा, तेज, तीज, चरपाए, कर्कश, रूखा, रुच, पेरुस, कड़ा, कठोर। कब्ज का है मलबंध, मलबद्धता, मला, बरोध, बद्ध, कोष्ठ, कोष्ठ बद्धता। कामदेव इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है और इसका पर्यायवाची याद रखिएगा कामदेव का। मदन भी होता है, मनोभाव भी, पंचसर होता है, इसको याद रखिएगा, पंचसर, मार, यहाँ मैं लिखते चल रहा हूँ, पंच, पंचसर लिख दिया मैं, पंचसर, मार, स्मर, मनसिज याद रखिएगा, मनमथ,
बार बार पूछा गया है। मन्मथ किसका पर्यायवाची है? तो कामदेव का। मीन केतु, कंदर्प अनंग, रतिपति मनोज, मयन मकर ध्वज। मकर ध्वज भी पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, मकर ध्वज। कुसुम सर, केतन, पुष्प धनवा। ठीक है, पुष्प धनवा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये आएगा तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी पुष्प धनवा जो है ध्यान दीजिएगा, पुष्प धनवा। नेक्स्ट है कारागार का कारावास, बंदी गृह, जेल, कैद खाना। ठीक है, कानाफूसी का फिस फिस, फुसफुस, खुसफुसुर। सही है, खुसर फुसर, सही है। काक, कौवा, काग, काण, काण याद रखिएगा। कायस, पिशुन, करठ। यहाँ पिशुन ध्यान दीजिएगा, पूछा भी गया है और आएगा तो शायद एक बार कंफ्यूज भी हो जाए पिशुन पे। कामुकता में बात करें पर्यायवाची, तो विषयाशक्ति, व्यभिचारिता, भोगाशक्ति और इंद्रिय लोलुपता, लंपटता। कार्तिकेय का आएगा तो कुमार, सड़ानन, सर्भव, स्कंद। किरण का आएगा तो कर, मरीचि, मयूख, अंश, रश्मि। सही है। और क्रूर का आएगा मरीचि, इसमें पूछा भी गया है। क्रूर का निर्दय, कठोर, दयाहीन, निर्दयी। कुबेर का जब भी आएगा, यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराज, किन्ने, रेश, और धनपति, धनेश, अलंकेश, और धनपाल, धनेश्वर, निपराज, अधिपति। कुत्सित, देखिए कुत्सित लिखा है यहाँ, नीच होता है। अधम इसका पर्यायवाची है, निकृष्ट, बुरा, खराब, घृणित, लंपट, हे, गर्हित। कूटनीति का होता है छलबल, घात, दांव पेच, चाल, कूटयुक्त। कुत्ता का जो पर्यायवाची होगा स्वान, कुक्कुर, सुनक याद रखिए गया यहाँ। सार में स्वा। कोयल का फिर आता है पर्यायवाची, पिक, कोकिला, श्यामा, मदन, सलाका, कलघोष, बसंत, दूत, काकपाल। तो काकपाल यहाँ याद रखिएगा, पूछने की संभावना बनती है। कृतज्ञ की बात करते हैं, आभारी, उपकृत, अनुग्रहित, कृतार्थ, ऋणी और एहसानमंद। कृष्ण की बात करें हम तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल जो भगवान का कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव। अब मैं बता रहा हूँ जो नहीं कर पाएंगे उसको, ये सब आएगा तो कर लेंगे। श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी याद रखिएगा, कर लेंगे फिर भी। नंदन, नंद नंदन, वासुदेव, बनमाली, ऋषिकेश याद रखिएगा, यहाँ इम्पोर्टेंट जो है ऋषिकेश। ठीक है, गोविंद, मुरारी, मुकुंद, दामोदर, ब्रज, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, क्षीर साई याद रखिएगा, दो ही शब्द यहाँ याद रखेंगे, क्षीर साई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। कृपा की बात करते हैं, अनुग्रह, दया, करुणा, अनुकंपा। कंदरा जो गुफा, गुहा, खो और गहर आएगा तो कर लेंगे वैसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओ सॉरी, नेक्स्ट पर्यायवाची है इसी में कंगाल, निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, गरीब, कर लेंगे। अकिंचन थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। कंचन का आएगा सुवर्ण, सोना, स्वर्ण, कनक, कर लेंगे आप। कपी का आएगा प्रकंपन, थरथरी, थरथराहट। हो सकता है अभी ध्यान ना आ रहा हो, लेकिन एग्जाम में जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको आ जाएगा ध्यान में कि कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं। केला का होगा कदली, कदली याद रखिएगा, कदली पूछा भी गया है। कदली किसका पर्यायवाची है? रंभा याद रखिएगा, रंभा। और भानुफल, भोग, मोभा ध्यान दीजिएगा, लेकिन कदली और रंभा जरूर याद रखिएगा। केला का। केस की बात करते हैं तो बाल, कच्छ, अलक, लट, कुंतल। क्रोध की बात करते हैं, कोप, अमरस्य, गुस्सा, रोष, आक्रोश, प्रकोप, तैस, क्षोभ। ये सब आएगा तो कर लेंगे आप, ध्यान में रहेगा, थोड़ा इत्मीनान से करिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट वर्ड शब्द की बात करते हैं, शब्द नहीं ये अक्षर है। खल का दिया, दुष्ट, अधम, पामर, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, नृशंस। यहाँ नृशंस को भी ध्यान दीजिएगा, नृशंस। खल का, खग का, बिहग, बिहंग, पक्षी, पंछी, द्विज, द्विज ब्राह्मण का भी होता है, खग का भी है। चिड़िया, शकुनी, शकुनी भी याद रखिएगा, पखेरु। खंभा का थंभा,
स्तंभ स्तूपाय कर लेंगे। खबर का है, संदेश, सूचना, समाचार, जानकारी, हालचाल, वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत हम लोग लिखते हैं, खबर जो है वृत्तांत भी होता है। खंड का अंश, भाग, टुकड़ा, हिस्सा कर लेंगे। खेती की बात होगी, कृषि, किसानी, कृषि कार्य, कृषि कार्य, और काश्तकारी, कृषि कर्म। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो था खग में आप द्विज शकुन याद रखिएगा, शकुन। नेक्स्ट नेक्स्ट अक्षर है गा का, गणेश का है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गजपति, हेरम्ब याद रखिएगा, जहां याद रखने वाली बात है हेरम्ब। दय मातुर, गजबंदन, गिरजानंदन, विघ्न विनायक, गौरीसुत, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, ये सब आएगा तो आप कर लेंगे। गौरीसुत एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आ जाएगा। महाकाय, भवानी नंदन, ये भवानी नंदन पूछा भी गया है तो ध्यान दीजिएगा इसको, भवानी नंदन, नंदन ध्यान दीजिएगा इसको, मैं लिख भी दिया। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट था हेरम याद रखिएगा, बाकी विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, ये सब आएगा, कर लेंगे आप। यही सबसे पूछेगा भी, बहुत ज्यादा हार्ड बनाना होगा तो फिर कुछ भी पूछ लेंगे। गंगा की बात करते हैं तो जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और भागीरथी आप कर लेंगे, जाह्नवी याद रखिएगा, जाह्नवी, जाह्नवी को ध्यान दीजिएगा। सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा को ध्यान दीजिएगा, त्रिपथगा पूछा गया है और पूछने की संभावना भी बनती है। सुरध्वनि, नदीश्वरी, देवनदी, नदीश्वरी भी पूछा गया, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपगा, देवपगा को भी ध्यान दीजिएगा, देवपगा। विष्णुपति, अब देखिए 8-10 इसमें है लेकिन आपको 4-5 ध्यान देना है, यही में से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसीलिए हमने कहा इस पे बस ध्यान दीजिएगा। गृह की बात करें तो घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निकेत, आगार पे ध्यान दीजिएगा, आगार। आलय, निलय, गेह, साला, ओक पे ध्यान दीजिएगा, ओक पे, ओक। आशियाना, अयनशाला, मकान, आवास। ठीक है, तो ये दो वर्ड है यहाँ पर। गरुड़ की बात करते हैं तो खगेश, पनगरी, पनगारी, उर्गारी, हरियान, वातने, खगपति, सुपर्ण, नागांतक, वैंते, ये सब है। गाय की बात करें हम, गौरी, गौ, गैया, धेनु, भद्रा, दोगधी, गौ, सुरभि। गुफा है, गुहा, कंदरा, गहर, बिवर। गज है, हस्ती, हस्ती, कुंजर, करी, गयंद, मतंग, मातंग, बितुंड, बितुंड ध्यान दीजिएगा, कुंभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतंग तो आप जान ही रहे होंगे, वैसे ध्यान दे दीजिएगा, मतंग, बितुंड, कुंभी, कुंभी। ठीक है, गण की बात करें, समूह, समुदाय, अनुचर, अनुयायी, दूत। गर्भाशय है, गर्भ, पेट, बच्चेदानी, उदर, जठर। गांव की बात करते हैं, ग्राम, मौजा, मौजा को ध्यान में रखिएगा, मौजा को गांव। पुरवा, बस्ती, देहात, ठीक है गांव का। गरीब का आएगा निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, दीन, कंगाल। गुड़ का आएगा जटिल, कठिन, दुरूह, दुर्बोध, गहन, पेचीदा, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट तो आएगा, कर लेंगे कठिन से। पहले नंबर तो आप यही याद रखिएगा कि गुड़ किसका पर्यायवाची है, गुड़, गुड़ की बात होगी। ठीक है, तो इसको गुड़ को ही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें देखिए, गीला का कह रहा है तो तर, नम, भीगा, आद्र, क्लिंग। ठीक है, क्लिंग इसको ध्यान रखिएगा। गधा का खर, गंधर्व, वैशाख, नंदन, रासव, धूसर, बेसर, चक्रीवान, गधा, दो है यहाँ पर, राशव और चक्रीवान। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों पे। अब घास से देख लेते हैं, घड़ा, घट, कलश, कुंभ, गगरा, गगरी आएगा तो कर लेंगे, घिनौना का घेड़, घृणास्पद, गर्हित याद रखिएगा यहाँ, गर्हित, अभिभत्स याद रखिएगा, गंदा, घेरित है, सब कर लेंगे। घुमक्कड़ की बात करें, रमता, रमता को ध्यान दीजिएगा, रमता को घुमक्कड़ का है। सैलानी, पर्यटक, घुमंतु, विचरणशील, यायावर, यायावर पूछा भी गया है और आसान भी है, फिर भी ध्यान दीजिएगा इसमें, यायावर का।
चा की बात करते हैं चंद्रमा, देखिए चंद्रमा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, राकापति, हिमांशु, निशिपति, हिमकर, निधि, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विधु, याद रखिएगा, राकेश, कला निधि, मयंक। तो जो आप ध्यान देंगे यहाँ पर वो देंगे विधु पे, विधु पे, ठीक है। बाकी सब याद रहेगा, शशांक पे भी ध्यान दे दीजिएगा, शशांक। नेक्स्ट है चमक। तो प्रभा, ज्योति, विद्युत, दीप्ति, कांति, शोभा, छवि, आभा, प्रकाश। चक्षु की बात करें, आंख, नयन, नेत्र, दृघ, लोचन, अच्छी, अच्छी पे ध्यान दीजिएगा, अच्छी पे। नेक्स्ट है चतुर्क। विज्ञ, दक्ष, प्रवीण, निपुण, पटु, नागर, सयाना, सयाना, कुशल, होशियार, निष्णात, निष्णात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। चांदनी की बात करें, चंद्रका, कौमुदी, ज्योतिष्णा, चंद्र मरीची, अमृत तरंगड़ी, चंद्रकला। चपला की बात करते हैं, तो विद्युत है, बिजली है, चंचला है, दामनी है, चंचला पे ध्यान दीजिएगा, दामनी है, तड़ित तो याद रहेगा। चश्मा है सहनेत्र, उपनेत्र, उपनयन, एनक। चंदन की बात करें, मलय, दिव्य गंध, हरिगंध, दारुसार, मलयज। नेक्स्ट है चांदी का। रजत, रजत है, रूपा है, रूपा है, रौम्य है, गात रूप है, चंद्रहास है, रूपक, रुक्म, नौध है। चाटुकारी है खुदामत, चापलूसी, मिथ्या प्रशंसा या चिरौरी, चमचागिरी। चोर का है दस्यु, रजनीचर, खनक, मोशक, मोशक है। कभीज है तस्कर है, कुंभिल है। चोटी की बात करें, तो शीश है, सानु है, श्रृंग है, शिखर है, शिरोबिंदु है, तुंग है, पारिकोट, परकोटी है, ठीक। तो यहाँ पर जो ध्यान देना है, जो ये सब वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ भी पूछ सकता है। छलांग का उछाल, फाद, चौकड़ी, उछल कूद। छतरी का उर, वच, वच स्थल, और वच प्रांत, सीना, छाती का है। छोह का ममता, स्नेह, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, दुलार। अब देखे जा में जो है जल, जल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पानी, वारी, नीर, सलिल, अंबु, अंबु और अंबुज अलग है, अंबु, ठीक है। तोए, पय, जीवन, आब, आब को याद रखिएगा यहाँ, आब को। उदक, अमृत, धनरस, सारंग, वन, विष, संभर, सर्वमुख। तो देखिए इतने एग्जाम में भी पूछा गया है, तो जल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंबु को ध्यान रखिएगा, पानी, वार, नीर, सलिल, अंबु, तोए, पय, जीवन, आब, उदक, अमृत, धनरस, सारंग, वन, विष, देखिये विंस, 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 संभर, सर्वमुख। जमुना का है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यमुना याद होगा, सूर्य तनया याद होगा आपको, रवि तनया, रवि नंदनी, सुर सुता याद होगा, कालिंदी, अर्कजा यहाँ याद रखिएगा, तरडीजा, कृष्णा। देखिए कृष्णा तो याद रखेंगे, लेकिन अर्कजा आपको याद रखना पड़ेगा, अर्कजा जो है यमुना का पर्यायवाची है। जीव की बात होगी, जिह्वा, रसना, रसना हमेशा पूछा भी गया है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, रसना जीव का है। अब पहले रसना आता था खाने वाला पानी में, तो उसी से याद रखिए। रसज्ञा, चंचला, चंचला पूछा है, चंचला। जगत का बात करें, विश्व, संसार, भव, जग, लोक, दुनिया, भूवक, मृत्युलोक। जंग की बात करें, रण, समर, युद्ध, लड़ाई, संग्राम। जंगल है विपिन, कानन, वन, अरण्य, कांतार याद रखिएगा, और अटवी, कांतार को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जानकी का सीता, वैदेही, जनक, सुता, जनक, तनया, जनक का तुमजा। झा से देखिए, झरना का प्रपात, निर्झर, स्रोत, उत्स याद रखिए, उत्स, उत्स ध्यान दीजिएगा, उत्स को। और प्रस्रवण और जलप्रपात। झंडा का ध्वजा, पताका, केतु ध्यान दीजिएगा, निशान तो है ही, उत्स याद रखिएगा, ठीक है, झरना का। तो थैंक यू।